नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के लिए शनि देव का, ये जो गोचर है कुंभ राशि में प्रवेश का। 29 अप्रैल 2022 से लेकर 29 मार्च 2025 तक शनि देव कुंभ राशि में रहेंगे। तो दोस्तों शनि देव जो है स्लो मूविंग प्लैनेट हैं। शनि देव 1 डिग्री 1 महीने में चलते हैं। शनि देव लगभग 2 कला रोज चलते हैं। शनि देव दोस्तों कर्म कारक प्लैनेट हैं। शनि देव जो है वो न्यायाधीश हैं। आपका जो भी कर्म है उसका कारक ग्रह जो है वो शनि देव है। आपका कर्म अच्छा है या कर्म बुरा है इसका डिसीजन जो है आपके जन्म कुंडली में शनि की पोजीशन से देखा जाता है। लेकिन दोस्तों शनि देव जो है जॉब के कारक कहे गए हैं, नौकरी के। बुध देव जो है वो व्यापार के कारक कहे गए हैं। लेकिन कोई भी कर्म हो उसके कारक ग्रह जो है वो शनि देव हैं। शनि देव जो है वो न्यायाधीश कहे गए हैं। शनि देव जो है रोग ऋण शत्रु के कारक ग्रह हैं। शनि देव जो है मृत्यु के कारक हैं। बड़ा ऑपरेशन बड़ी मुसीबत के भी कारक ग्रह हैं। शनि देव जो है जेल बंधन हॉस्पिटलाइजेशन वृद्धा आश्रम ओल्ड एज के भी कारक ग्रह हैं। तो शनि का रोल दोस्तों कुंडली में बहुत ही महत्व रखता है। शनि की पोजीशन जो है आपके जन्म कुंडली में मित्र राशि में है, शत्रु राशि में है। शनि आपके लग्न के लिए मित्र हैं या शत्रु हैं, शनि कौन से नक्षत्र में है, कौन से नवमांश में है, शनि कितने डिग्री पे है, वो डिग्री शुभ है या अशुभ है, ये सब देख के जो है डिसीजन लिया जाता है कि शनि की पोजीशन आपकी कुंडली में शुभ है या अशुभ है। तो दोस्तों हम मेष राशि से लेकर मकर राशि तक की बात कर चुके हैं। अब हम जो है कुंभ राशि वालों के लिए बात करेंगे कि ये आने वाला 2.5 साल कुंभ राशि वालों के लिए कैसे रहेगा। तो दोस्तों कुंभ राशि आपके नाम की राशि, आपके जन्म की राशि या आपका जन्म लग्न, तीनों में कोई भी कुंभ हो तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। दोस्तों आपके लिए ये शनि के 2रे चरण की 7.5 शुरू हो चुकी है। पहला चरण जो है निकल चुका है, ये 2रे चरण की 7.5 जो है ये शुरू हो चुकी है। ऐसा जो है कभी भी मत सोचिएगा कि 7.5 जो है शुरू हो गई है तो आपको जीवन में तकलीफ होगा। 7.5 बहुत अच्छा शुभ फल भी देता है और अशुभ फल भी देता है। इसका डिसीजन जो है कुंडली से आपको देखना है, शनि की पोजीशन से। तो दोस्तों यह 2रे चरण की 7.5 है, यानी कि इस समय जो है चंद्रमा और शनि जो है एक साथ मिल चुके हैं। चंद्रमा और शनि एक साथ 2.5 साल तक रहेंगे। दोस्तों इस समय जो है आपके कर्म में जो है कुछ परिवर्तन होगा, चाहे आप जॉब में हैं बिजनेस में हैं, कुछ उसमें चेंजेज या परिवर्तन का योग बनता है। अब इसमें लोग पूछेंगे कि परिवर्तन कब होगा, तो यदि आप अपनी कुंडली को देख सकते हैं तो आपको देखना है कि आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा कितने डिग्री पे है। एग्जाम्पल मानिए कि यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा 10 डिग्री पे होगा, एग्जाम्पल मानिए एक राशि 30 डिग्री की होती है, मान लीजिए चंद्रमा 10 डिग्री पे है, तो जब शनि देव जो है गोचर में 10 डिग्री पे पहुँचेंगे तो उस समय जो है एग्जैक्ट कुछ कर्म में परिवर्तन या शनि की 7.5 खराब जा रही है तो उस समय कुछ प्रॉब्लम आपको क्रिएट होगा। 10 डिग्री पे चंद्रमा है तो उसका इम्पैक्ट आपको पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, आपको 9 डिग्री से मिलना शुरू होगा।
9 डिग्री से लेके 11 डिग्री तक उसका इम्पैक्ट ज़्यादा रहता है, यानी कितना हो गया 3 डिग्री यानी कि 3 महीने जो है उसका निगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट। यानी यदि आपका कर्म अच्छे में चेंज होना है तो उसी समय चेंज होगा, यदि आपका उस समय खराब है तो उस पीरियड में आपका समय खराब रहेगा। तो आपको ये देखना है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कितने डिग्री पे है, जब वो डिग्री पे शनि देव पहुँचेंगे तो जाके आपके जो है अच्छा या बुरा आता है। ऐसा नहीं कि पूरा 2.5 साल अच्छा रहे या ऐसा नहीं कि पूरा 2.5 साल खराब रहे। तो कभी भी 7.5 साथी से डरना नहीं है कि 7.5 साथी जो है ये खराब आ गई है, शनि की पोजीशन देख के ही 7.5 साथी का निर्णय किया जाता है। तो दोस्तों आपके जो है लग्न में जो है शनि देव जो है आ चुके हैं, कुछ अच्छा जो है आपके लिए कर्म में परिवर्तन होगा। यदि आपका लग्न भी कुंभ है तो आपके जीवन में कुछ अच्छा बड़ा परिवर्तन होगा, पॉजिटिविटी जो है बहुत ही अच्छी आएगी, जो है कर्म में जो है कुछ अच्छा जो है चेंज जो है आपका होगा। आपका जो है औरा 360 डिग्री का इस समय जो है वो पॉजिटिव होना शुरू हो गया है, यानी कि जो भी आप डिसीजन लेंगे कर्म में, जॉब में है तो जॉब में, बिजनेस में है तो बिजनेस में, उसमें जो है अच्छी बढ़ोतरी का योग बनेगा। शनि दोस्तों तीसरी दृष्टि से तीसरे घर को देख रहे हैं। छोटी यात्रा में कहीं भी आप जाएं तो वहां सावधान रहिएगा, छोटी यात्रा में आपको कुछ नुकसान हो सकता है या चोट चपेट लग सकती है। इस समय जो आपके पड़ोसी हों, नेबर हों, जहां भी आपका घर है उनसे जो है आप जो है रिलेशन अच्छा रख के, नहीं तो नेबर से भी जो है कुछ जो है झगड़ा झंझट हो सकता है। इस समय दोस्तों जो है छोटे भाई बहन को कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जो है आपके जो चाइल्डहुड फ्रेंड हैं, बचपन के फ्रेंड हैं, उनको भी जो है इस समय कुछ परेशानी क्रिएट हो सकती है। तो उसके लिए जो है कोई भी प्रॉब्लम ना आए उसके लिए आपको हनुमान चालीसा का रोज़ 1 पाठ या 3 पाठ करना है। हनुमान जी का पैर का सिंदूर का तिलक माथे में लगाना है और पढ़ सकिए तो सुंदर कांड का पाठ मंगलवार और शनिवार को आपको 1-1 पाठ करना है। शनि की जो है 7वीं दृष्टि जो है दोस्तों 7वें घर पे पड़ रही है। इस समय जब यदि आपकी शादी की उम्र है तो दोस्तों आपको जो है शादी में जो है बहुत कुछ सोच समझ के, देख के, विचार करके शादी करना है, क्योंकि शादी आपको लगेगा कि शादी जो है बन गई है लेकिन बनते बनते शादी जो है टूट सकती है। यदि आपका इस समय हस्बैंड वाइफ में रिलेशन बहुत अच्छा पहले से नहीं चल रहा है तो इस समय रिलेशन थोड़ा सा और भी कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो ये जानने का मतलब यही है कि आप अपने रिलेशन को अच्छे से मेंटेन करके रखें। यदि आपका रिलेशन अच्छे से मेंटेन रहेगा तो ये समय भी अच्छे से निकल जाएगा। यदि आप फॉरेन से रिलेटेड कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो जो है इंटरनेशनल अफेयर, उसमें आपको जो है बिजनेस में बहुत सतर्क होकर काम करना है। कोई भी बड़ा अमाउंट का जो है आपको बिजनेस का ट्रांजेक्शन नहीं करना है या आपको उधारी जो है बड़े लेवल पे नहीं देनी है। तो व्यापार और पार्टनरशिप में आपको सावधानी बरतनी है। यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनर से इस समय जो है कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए दोस्तों आपको पार्टनरशिप यदि अच्छी पिछला समय यदि आपका पार्टनरशिप अच्छा चल रहा है तो इस समय जो है यदि मैनेज करके चलेंगे तो पार्टनरशिप भी अच्छे से समय निकल जाएगा। ज्योतिष जानने का यही मतलब होता है कि यदि आपका समय कहीं से कुछ गड़बड़ आ रहा है, यदि उस समय को आप अच्छे से मैनेज कर लिए तो समय अच्छे से निकल जाता है। तो कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो दोस्तों, वाइफ को कुछ हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो कोई भी प्रॉब्लम आपको 7वें भाव से जुड़ा हुआ ना हो तो सूर्य भगवान को जो है सुबह जल दीजिए, जो है आदित्यदेव स्तोत्र का पाठ कीजिए, ओम सूर्याय नमः मंत्र का जो है जाप कीजिए, जो है सूर्य भगवान का ध्यान कीजिए, तो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी।
शनि की दसवीं दृष्टि दोस्तों दसवें घर पे पड़ रही है। करियर में आपको नेम फेम स्टेटस जो है इस समय मिलेगा। जो है आप कहीं भी जॉब में हैं तो जॉब में अच्छा प्रमोशन मिलने का योग जो है आपका जो है बन रहा है। बड़े लेवल पे प्रमोशन होगा। यदि आप गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं जॉब से रिलेटेड तो गवर्नमेंट का जॉब मिलने का योग इस समय बहुत ही बढ़िया चल रहा है। गवर्नमेंट में नेम फेम स्टेटस मिलने का योग है। यदि आप जॉब में नहीं हैं, बिजनेस में नहीं हैं, पॉलिटिक्स में भी यदि आप हैं या कोई भी प्रोफेशन में आप हैं तो गवर्नमेंट में अच्छी बड़ी पोस्ट इस समय आपको मिल सकती है। ये दोस्तों आपका लग्न कुंभ होगा, यानी राशि कुंभ है, लेकिन यदि आपका लग्न कुंभ है तो गवर्नमेंट में अच्छा बड़ा पोस्ट मिलने का योग आपको बहुत ही अच्छा बनेगा। गवर्नमेंट से रिलेशन आपका बहुत ही अच्छा मेंटेन होगा। करियर में जो है अच्छा बड़ा ग्रोथ होगा। जो है तो इस समय दोस्तों जो है आपके फादर की इनकम, आपके फादर की इनकम जो है इस समय बहुत तेज़ी से जो है वो बढ़ेगी। जो है यानी कि उनका फाइनेंशियल पोजीशन जो है बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। दूसरा दोस्तों, यदि आप कोई भी प्रॉपर्टी बेचने का प्लानिंग कर रहे हैं तो उसका पेपर बहुत ही सतर्क हो के जो है चेक करके, सामने वाला जो ले रहा है उसका भी सब कुछ पेपर चेक करके ही जो है कोई भी डील करिएगा, नहीं तो सामने वाला आपको फंसा देगा। यानी प्रॉपर्टी के मैटर में जो है बेचने से रिलेटेड, खरीदने से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि कोई आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो जो भी पैसे का आप ट्रांजेक्शन किए हैं उसका पूरा पैसा मिलने में थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है। इस समय दोस्तों आपके माताजी को जो है हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकता है, यानी हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से उनको जो है एडमिट भी करना पड़ सकता है। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों। आपके मामा मौसी की तरफ जो है थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम उनको भी होने का योग बनता है, यानी आपके ननिहाल पक्ष में जो है थोड़ी सी फाइनेंशियल पोजीशन वहाँ जो है टाइट जो है इस समय बनेगी, यानी कि खर्च अधिक होगा, इनकम जो है कम होगी। तो ये रहा दोस्तों कुंभ राशि से जुड़ा हुआ शनिदेव का कुंभ राशि का गोचर 29 अप्रैल 2022 से 29 मार्च 2025 तक का ये प्रेडिक्शन है। दोस्तों हमारा ये चैनल अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों इस समय यदि आपका कुंभ लग्न भी होगा तो आपको शेयर मार्केट में पोजिशनल ट्रेडिंग करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको लाभ होगा। डेली ट्रेडिंग से बचिएगा, सट्टा से जो है बचिएगा तो आपको लाभ होगा। तो दोस्तों जो है यदि आपको कोई भी सर्विस लेना है, कुंडली कंसल्टेंसी लेना है तो आप संपर्क कर सकते हैं। शेयर मार्केट से रिलेटेड कंसल्टेंसी लेना है, कंपनी कुंडली का एनालिसिस कराना है तो आप हमसे संपर्क जो है कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9870312696। आप दोस्तों मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है दिया हुआ है। तो दोस्तों चैनल अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जो है ज़रूर कीजिएगा। अब दोस्तों हमारा ये डिस्क्लेमर है कि आपको ये शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर ही इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि मेरा और मेरा चैनल आपके नफे और नुकसान से कोई भी लेना देना नहीं है। ये मेरा प्योर एजुकेशनल बेस्ड चैनल है। तो दोस्तों चैनल अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राम।